अच्छा जी, कंट्रोल पैनल हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम टूल बार के ऊपर आ जाते हैं। तो टूल बार की अगर हम बात करें तो पहले टूल के बारे में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। जो पहला टूल है वो होता है इंटायर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। सेकंड होता है इंडिविजुअल पॉइंट को मूव करने के लिए, राइट। इसी के साथ यहाँ पे एक गैप टूल भी आता है। गैप गैप टूल से हम क्या कर सकते हैं? हाँ, गैप टूल क्या काम करेगा, इससे मैं इसके गैप को इफेक्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे ये मेरा पेपर है, मतलब ये मेरा डॉक्यूमेंट का साइज है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे लग रहा है इसका गैप थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, सो आई कैन इंक्रीज द गैप। नीचे से मुझे लग रहा है गैप को बढ़ाना है, बढ़ा सकता हूँ। ऊपर मुझे लग रहा है गैप को थोड़ा कम करना है, तो मैं ऐसे कम कर सकता हूँ। इवन सिर्फ इसी का यूज करके मैं ऑब्जेक्ट की पूरी पोजीशन ही चेंज कर दूंगा। मुझे इसको बिल्कुल टॉप में बिठाना है, ये देखो ऐसे, ये रख दिया मैंने, ये देखो। समझ आया? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो गैप के थ्रू। मैं मूव करा के नहीं करा रहा हूँ, मूव करा के तो करा सकते हैं, सही उठा उठा के रख दो, है ना, गैप टूल के थ्रू। तो गैप टूल के थ्रू अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको सबसे नीचे लेके जाना है, बॉटम पे। तो मैं इसको ऐसे नीचे ला सकता हूँ बॉटम पे। इसको मैंने ऐसे किया, ये मुझे यहाँ तक टच करना है, इधर से मुझे टच करना है। आई कैन डू दैट, सिंपल है। समझ आया? तो ये गैप टूल होता है। तो इससे बस थोड़ा सा यहाँ पे ये होता है कि पता भी चल जाता है, गैप बता भी देता है कितना आ रहा है, 61.61 पाई का ऐसे दिखा रहा है ना। हाँ, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये हो गया गैप। अच्छा, इसके साथ होता है एक पेज टूल होता है। दैट मींस कि हम पेज को भी मूव करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को तो मूव कराना आपने देखा था, है ना, हम पेज को भी मूव करा सकते हैं। इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेज पैलेट ओपन किया, यहीं से पेज पैलेट में ओपन कर लेता हूँ। अभी एक ही पेज है ना मेरे पास, पेज बढ़ा देता हूँ। यहाँ से पेज बढ़ा सकते हैं ना, ये पेज मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा। अब एक तो नॉर्मल तो ये है कि हमने सिलेक्शन टूल लिया और ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे जैसे भी हमें रखना है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पर ही रहे, सिर्फ जो पेज है वो ऊपर नीचे हो, मुझे पेज को मूव कराना है, तो पेज को मूव कराने के लिए फिर मैं यहां से लूंगा पेज टूल, ठीक है। और ये देखो, अब देखो क्या हो रहा है, पेज नीचे जा रहा है, पेज नीचे गया। तो मतलब ये कि हम पेज की पोजीशन भी अप डाउन कर सकते हैं, इसे ऊपर नीचे करा सकते हैं, ये इस तरीके से हो सकता है। ऑब्जेक्ट मेरा यहीं पे रह गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लो या कहीं पे भी रखो। तो ऐसी जरूरत आगे पड़ेगी जब हमें पेज को भी आगे पीछे करके रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो बस अभी आपको इतना समझना है कि पेज टूल से हम पेज को भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि देखो ये फेसिंग पेज है, आमने सामने, लेकिन मैंने पेज को शिफ्ट कर दिया ऊपर, है ना। अच्छा, अब इसी के साथ यहाँ पे अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक है कंटेंट प्लेसर टूल यहाँ पे होता है, और एक होता है कंटेंट कलेक्टर टूल, ठीक है। कंटेंट कलेक्टर और प्लेसर, ये क्या है? ये है कि हम कहीं से भी किसी भी कंटेंट को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर लाके प्लेस करा सकते हैं, चाहे वो कोई दूसरी इनडिजाइन की फाइल हो या यही हो। देखो, मैं पहले बहुत सारे पेजेस बना देता हूँ इसमें। ये मैंने पेजेस बना दिए, ठीक है। पेज नंबर 12 पे आ गया मैं लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई एक इमेज है, कोई भी इमेज मैंने यहाँ पे डाली इस तरीके से, ये इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे कलर मैंने डाल दिया, या फिर मैंने कोई टेक्स्ट फ्रेम लिया और यहाँ पे कोई भी डमी टेक्स्ट डाल दिया। टाइप में गए, इंसर्ट, ये फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई कंटेंट मुझे लेके आना है यहां पर, तो मैं उसको प्लेस करा लूंगा, उसको मैं कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्ट, पहले कलेक्ट करना है बाद में प्लेस कराना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, या अच्छा ठीक है जी, अच्छा ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गए कंटेंट कलेक्टर टूल, इससे मैं कंटेंट्स को कलेक्ट कर पाऊंगा। जैसे मैंने भी कहा मुझे सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं नीचे वाले पेज पे जा रहा हूँ, मुझे ये वाली फोटो चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा बस। जैसे इस पे क्लिक करूंगा वो मेरे पास कलेक्ट हो गई, मेरी ट्रे में आ गई। ये ट्रे है, इसको ट्रे बोलते हैं, है ना, इस ट्रे के अंदर आ गई ये इमेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट भी चाहिए, मैं टेक्स्ट पे भी क्लिक कर दूंगा, ये भी कलेक्ट हो गया, मेरी ट्रे में आ गया है ना। मुझे ये रेक्टेंगल भी चाहिए, मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया, ये भी आ गया। ओके ठीक है, अब मुझे इसको प्लेस कराना है शायद किसी और पेज पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे प्लेस कराना है। अब प्लेस कराने के लिए लूंगा मैं दूसरा टूल, कौन सा, कंटेंट प्लेसर, कंटेंट प्लेसर लूंगा। अब ये लो जी, कंटेंट प्लेसर मैंने ले लिया। अब देखो दिखा रहा है, अभी मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, ये वाला कंटेंट प्लेस हो जाएगा। राइट, आपको ये टेक्स्ट वाला लेना है तो आप टेक्स्ट वाले लेने के लिए क्या करोगे, कीबोर्ड में राइट एरो की मिल जाएगी, राइट एरो, ये देखो नेक्स्ट पे आ गया। राइट एरो किसे कहा गया, मैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कंटेंट पे आ गया। ठीक है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये चाहिए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, और राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो से हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट करूंगा तो प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, लेफ्ट एरो की करूंगा प्रीवियस सिलेक्ट होगा, राइट करूंगा नेक्स्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यही चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, बस मैंने क्लिक कर दिया, आ गया, देखो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस वाले पेज पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये मुझे यहाँ पे चाहिए इस वाले पेज पे, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया अभी? या, या, या। दोनों का यूज समझ में आ गया, कलेक्टर और प्लेसर। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, कि अब ऐसा नहीं है कि अभी तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ओपन फाइल थी इन डिजाइन की, वहीं से हमने कलेक्ट किया और वहीं पे प्लेस कर दिया। हम किसी दूसरी इन डिजाइन की फाइल से भी कलेक्ट करके प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अभी मैं इस फाइल में काम कर रहा हूँ और क्लाइंट कहता है कि पिछली मैगजीन जो आपने भेजी थी उसमें से इमेज निकाल के आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, या उसका कुछ कंटेंट उठा के यहाँ पे डाल दो, तब भी मैं इसका यूज कर पाऊंगा। तब भी हम वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं उस चीज को, कलेक्ट करके। तो आपको, हमको, हमको अभी एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और हम यहाँ पे कलेक्ट करके वो फाइल प्लेस कर सकते। हाँ वो फाइल होनी चाहिए, वो फाइल हमें ओपन करनी पड़ेगी। हाँ वो फाइल हमें ओपन करनी पड़ेगी, ये जो कलेक्टर टूल है इससे कलेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जिस फाइल से लाना है उस फाइल को ओपन कर लो। फाइल में गए, ओपन में गए, यहाँ पे किसी का कुछ काम है, किसी बच्चे का, मैं ये फाइल उठा लेता हूँ, यहाँ पे ओपन किया मैंने, तो ये स्टूडेंट्स का काम है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे उसने ये डिजाइन बनाया, अब इस डिजाइन में से मुझे कोई चीज चाहिए अपनी इस वाली फाइल में, मेरी फाइल तो ये है ना, ये है मेरी फाइल, मुझे इस फाइल में कोई कंटेंट इस वाली फाइल से लेके आना है, तो सेम है, क्या करेंगे, कंटेंट कलेक्टर टूल लिया और क्लिक कर दो बस यहाँ पे, देखो इस इमेज पे क्लिक किया तो मेरी ट्रे में कलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, ये टेक्स्ट आ गया, ये देखो ये फोटो चाहिए, ये फोटो आ गई, ये पैराग्राफ चाहिए मुझे, ये फोटो चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये मैंने सब कलेक्ट कर लिया। राइट, अब मुझे ये सब कंटेंट प्लेस कराना है अपनी इमेज में, तो मैं अपनी इमेज में आ गया, मतलब अपनी फाइल में आ गया है ना। अब क्या करेंगे, अब प्लेसर लेना है, प्लेस करने के लिए तो प्लेसर टूल लेना पड़ेगा ना।
तो प्लेसर टूल लिया, ये आ गई इमेज, बाकी सब कुछ सेम वही है, ये नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, राइट एरो से वो राइट वाला आ गया है ना, कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, क्लिक कर दो, आ गया जी। अभी फोटो आ रखी है, फोटो नहीं चाहिए, नेक्स्ट कर लो, ये आ गया, ये भी नहीं चाहिए, अगली वाली फोटो चाहिए, या ये फोटो आ गई, ये फोटो मुझे इस पेज पे चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला कंटेंट आ रहा है, ये हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग आपको यहाँ पे कहाँ पे चाहिए वहां लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट के ऊपर चाहिए ये, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, समझ आया? Yes, ये यहाँ पे चाहिए, इसको यहाँ प्लेस कर दो, ये यहाँ पे चाहिए, इसको यहाँ प्लेस कर दो, ये यहाँ पे चाहिए, इसको यहाँ पर प्लेस कर लो, ऐसे हो गया। सर वो साइज और सब बाकी का भी कॉपी होता है इसके साथ, कंटेंट के साथ, मींस उस फाइल में जो साइज और एक्चुअल साइज के साथ आएगा, साइज यहाँ पे ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, जिस साइज की इमेज थी वहां पर, जिस साइज की, उसी साइज की यहाँ पर आएगी, यहाँ पर बनेगी, ओके ओके, उसी साइज की बनेगी, साइज चेंज नहीं होगा, है ना। बाद में अगर आपको साइज चेंज करना है तो आप कर ही सकते हो फिर उसको, फिर जैसे मैंने बताया आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप इमेज का साइज ऐसे बढ़ा सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मुझे इमेज को बड़ा करना पड़ेगा, ये कंटेंट सिलेक्ट होगा और इसको भी बड़ा करना पड़ेगा ऐसे, तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा अगर बड़ा करना है तो, कोई इशू नहीं है, इस इमेज को छोटा करना है छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, क्लियर है ना? या तो ये इम्पोर्टेंट टूल है दोनों, कलेक्टर टूल प्लेसर टूल, अपनी ही फाइल में भी कर सकते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती है ना, हो सकता है एक ही चीज दो तीन जगह जा रही हो सकता है एक लोगो आपने लास्ट में लगाया है, एक लोगो कहीं और लगाना है, एक लोगो फर्स्ट पेज पे लगाना है, तो आप पहले कलेक्ट कर लो उसको, कलेक्ट करके जहां जहां वहां प्लेस करा दो, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सिंपल लाइन टूल, लाइन टूल क्या होती है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लाइन टूल क्या करेगा, लाइन बना देता है बस। हाँ, इसका ध्यान रखना, अगर आपको एकदम सीधी लाइन चाहिए तो आपको शिफ्ट का यूज करना है। अच्छा, अभी लाइन बना रहा हूँ, लाइन दिख क्यों नहीं रही, मैंने कितनी सारी लाइनें बना दी यहाँ पे, स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक का कलर ही नन है, जो लाइन बना रहा हूँ उस लाइन का कलर क्या है, नन, कोई कलर नहीं है, जब कोई कलर ही नहीं है ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे। अच्छा, अब मुझे एक तरीका बताओ, कि ये ब्लैक वाला ऊपर वाला कलर इसके अंदर आ जाए, नीचे स्ट्रोक में आ जाए कलर, हाउ कैन आई, क्या ब्लैक वाला कलर नीचे स्ट्रोक में आ जाए, इसके अंदर स्ट्रोक के अंदर, आई पिकर आई लाइनर नहीं उससे कलर नहीं सिलेक्ट कर सकते, आई लाइनर नहीं होता है यहाँ पे, आई ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर नहीं, यहाँ पे जाके ऊपर स्ट्रोकर का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी, शिफ्ट एक्स बताया था, यस सर, शिफ्ट एक्स बताओ क्या होता है, शिफ्ट एक्स, हेलो, शिफ्ट एक्स बताओ क्या होता है सर, शिफ्ट एक्स रिवर्स, हाँ, फिल का कलर स्ट्रोक में, स्ट्रोक का कलर फिल में, यस सर, बताया था ये, यस सर। तो देखो अभी क्या है, अभी अगर मैं शिफ्ट एक्स कर दूं तो जो फिल कलर है हमारा वो स्ट्रोक में चला जाएगा और स्ट्रोक वाला जो नन है वो फिल में आ जाएगा, ओके, हमें तो स्ट्रोक का कलर ही चाहिए ना, या तो जो ऊपर वाला कलर है वो कहाँ जाएगा, नीचे स्ट्रोक में, नीचे स्ट्रोक वाला ऊपर आ जाएगा, देखो शिफ्ट एक्स किया मैंने, ये देखो शिफ्ट एक्स करने से देखो हो गया, या ब्लैक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो देखो तो लाइन हमें दिखाई देंगे ना फिर, या तो लाइन टूल मतलब सिंपल लाइन बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, फिर ये ऐसी आ गया है नालायक, ये स्ट्रोक लाइन बना सकते हैं,
परफेक्ट चाहिए शिफ्ट के साथ बनाओ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं। इसके साथ टाइप टूल की बात हम कर लेते हैं अब थोड़ा सा और। टाइप टूल हमने लिया तो एक दो तरीके से हम यहाँ पे यानी कि दो तीन तरीके से हम इसको टाइप कर पाएंगे। अभी क्या है, टाइप टूल लिया, एक फ्रेम बनाया फ्रेम, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट डाल दिया ऐसे। एक तरीका तो हुआ ये, राइट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे कि मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल टाइप टूल मैंने लिया। अब मुझे इसके अंदर अंदर लिखना है, सर्कल के अंदर लिखना है, ध्यान रखना। ओके, ये तो हमने टेक्स्ट टूल से ही बनाया था। इससे टेक्स्ट टूल लिया, एक फ्रेम बना दिया है ना, और उसमें लिख दिया। बट इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने ये बनाया, ये इलिप्स टूल लिया है, इलिप्स टूल से एक सर्कल बनाया है। नाउ आई वांट टू टाइप इनसाइड, अब मुझे इसके अंदर टाइप करना है। तो अब टाइप करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये टूल यही रहेगा टाइप टूल। जब इसके ऊपर आओगे ना तो देखो ये आइकन चेंज हो जाता है। देखो अभी अभी इसके साथ में देखो एक रेक्टेंगल सा बन रहा है ना, एक स्क्वायर बन रहा है, डॉटेड स्क्वायर बन रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर आऊंगा ना, ये राउंड हो जाएगा। देखो हो रहा है राउंड, जब ये राउंड हो तब क्लिक करना। अच्छा, जब ये राउंड हो तब आपको क्लिक करना है। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे अब आप इसके अंदर भी टाइप कर सकते हो। टाइप में गए, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। हम किसी भी शेप के अंदर, अब हमने क्या समझा, हम किसी भी शेप के अंदर टाइप कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक रेक्टेंगल के अंदर। क्लियर है, ये हो गया। अच्छा, अब अगले टूल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसके साथ एक टूल और होता है, इसको बोलते हैं टाइप ऑन ए पाथ। क्या बोलते हैं, टाइप ऑन ए पाथ, मतलब ये कि हम किसी पाथ के ऊपर लिख भी सकते हैं। पाथ क्या होती है, जो लाइन है उसी को पाथ कहते हैं। ये जो लाइन है, जो स्ट्रोक है, इसी को पाथ कहा जाता है, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, एक सर्कल और बना दिया। सर्कल बनाऊं या एलिप्स बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, ये अगेन इस बार मैंने लिया टाइप ऑन ए पाथ टूल, टाइप ऑन ए पाथ। अब देखो, अब जैसे मैं इसके ऊपर आऊंगा, देखो प्लस का साइन आ रहा है, दिख रहा है। जैसे उसके ऊपर आता हूँ, प्लस का साइन आता है, आप क्लिक करो और लिखना शुरू कर दो। टाइप में गए, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट कहाँ पर आया, अब ओके पाथ के ऊपर आया है, ठीक है। फॉन्ट का साइज वाइज तो जब चाहो जब बढ़ा सकते हो, मैंने बता ही दिया है आपको, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर लेना, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीन तरीके होते हैं इन डिजाइन में टाइप करने। अच्छा जी, ठीक है। तो तीन तरह का मैंने बताया, तीन तरीके से टाइप आप कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि ये कोई भी शेप हो सकती है, मैंने बताया किसी भी तरह की कोई भी शेप हो सकती है, किसी एक ह्यूमन फिगर में आप टाइप कर सकते हो, राइट। एग्जांपल जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक इमेज को प्लेस करा लेता हूँ, एक इमेज को प्लेस करा लें, जैसे कि मैं इसी को कराऊं, क्या इसी इमेज को मैं प्लेस करा लेता हूं, ठीक है। अब इस इमेज में से सिर्फ मुझे इसका आउटर एरिया चाहिए, पूरी इमेज नहीं चाहिए, मुझे कटआउट बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पाथ तो कोई भी हो सकता है ना, हम पेन टूल से भी तो बना सकते हैं पाथ। एक पेन टूल होता है ना, पेन टूल से भी क्लिक कर करके ना एक पाथ बना सकते हैं। पाथ मतलब एक लाइन ऐसे ऐसे बन जाएगी ऐसे। तो पेन टूल से हमने क्या किया, ये एक शेप ऐसे ऐसे करके बना दिए, वो कोई भी शेप हो सकती है।
ये हमने एक शेप यहाँ पर बना दी कुछ इस तरीके से, इसको हटा देता हूँ, ये शेप मेरी आ गई है ना। अब मुझे इस शेप के अंदर अंदर लिखना है। शेप अभी अच्छे से ट्रेस नहीं हुई है, वैसे बहुत बेकार लग रही है, लेकिन जैसी भी शेप होगी आपको अच्छे से करना है। जब मैं पेंटूल अब बताऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा अच्छे से ट्रेस कैसे करते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर अंदर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर देता हूँ और इसके अंदर मुझे टाइप करना है। तो सिंपल वही सिलेक्ट किया और क्या करेंगे, टाइप टूल लेंगे, इसके ऊपर आएंगे, राउंड आ जाएगा ये, यहाँ पे क्लिक कर लो और टाइप में जाओ, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गया। बट अभी देखो टेक्स्ट ना भी इस एरिया में नहीं आ पा रहा है, क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं आया टेक्स्ट, छोटा है इसलिए, क्योंकि हाँ ये एरिया छोटा है, फॉन्ट का साइज बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, फॉन्ट का साइज छोटा करूंगा, फॉन्ट का साइज छोटा कर दो, जितना फॉन्ट का साइज छोटा करोगे उतना वो आ जाएगा। बाकी कंट्रोल सी कॉपी करके टेक्स्ट को मैं मल्टीप्लाई पेस्ट कर देता हूँ और इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। जस्टिफाई में क्या होगा, जस्टिफाई में सब जगह से एडजस्ट, हाँ सब जगह ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। कंट्रोल सी क्या, कंट्रोल वी क्या, तो ये कुछ फिर इस तरीके से दिखाई देगा, समझ आया। वो कोई भी शेप हो सकती है जिसमें कि हमें टेक्स्ट को दिखाना है, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो ये शेप हो, है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से सिंपल एक सर्कल में अगर हमें एक स्टैम्प टाइप से कुछ बनाना है तो देखो वो भी हम यहाँ पे बना पाएंगे इसी टेक्स्ट का यूज करके। सिंपल देखो हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, एक सर्कल मैंने बनाया, एक सर्कल और बना देते हैं। एस फॉर स्केल टूल लिया, कौन सा टूल लिया हमने, स्केल टूल। स्केल टूल क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेगा। ये नीचे से ही छोटा क्यों हो रहा है, सर्कल नीचे रेफरेंस पॉइंट नीचे है। हाँ, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट में ये बॉटम वाला लॉक है, अगर ये सेंटर रहेगा तो क्या होगा, तो सेंटर से बढ़ेगा, सेंटर से छोटा होगा, है ना। और प्रोपोर्शनली हो वो, मतलब उसका इलिप्स ना बन जाए, तो हम शिफ्ट का होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बड़ा होगा वो प्रोपोर्शनली होगा, राइट। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया और इस सर्कल को बड़ा किया, बड़ा करूंगा तो ऐसे बड़ा हो जाएगा, बट मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये बड़ा हो इसकी कॉपी भी बन जाए, तब मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा और फिर माउस को छोड़ूंगा, ऑल्ट प्रेस करके फिर माउस को छोड़ेंगे, तो ऑल्ट क्या करता है, डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। ओके, समझ आया, डुप्लीकेट कॉपी इसने बना दी है। इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस यहाँ पे डाल देते हैं, 1 PT 2 PT जो भी आपको सही लगता है वो डाल दो यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है इसके ऊपर, पाथ के ऊपर, ये पाथ के ऊपर हो गया ना, तो पाथ के ऊपर टाइप करने के लिए क्या करेंगे, टाइप होने पाथ लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे द ग्राफिक डिजाइन क्लासेस, ये लिखा। इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, कैसे होगा, सेलेक्ट कर लो पहले, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, क्या होगा, फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा जितना भी बढ़ाना है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा हो जाएगा। सो द ग्राफिक डिजाइन क्लासेस यहाँ पे डालना है हमें सी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अंदर लेके आना है, अभी तो ये बाहर जा रहा है ना, मैं चाहता हूँ इन दोनों सर्कल के बीच में आए, तो सर्कल के बीच में लाने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी फॉर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ओके,
कंट्रोल टी करने से, राइट। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। तो अंदर की तरफ शिफ्ट करने के लिए ये एक ऑप्शन आपको मिलेगा बेसलाइन शिफ्ट। अगर पूरे ऑप्शंस नजर ना आ रहे हो तो ये हाइड ऑप्शन होता है कभी कभी, इस तरीके से ऐसे आ रखा होता है। तो यहाँ पे जाके ना शो ऑप्शंस कर लेंगे, शो ऑप्शंस, तो सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। बेसलाइन शिफ्ट, ओके। क्या मिलेगा, बेसलाइन, बेसलाइन शिफ्ट। हाँ, तो ये बेसलाइन शिफ्ट हमने लिया और इसको अंदर की तरफ हमने किया, ऐसे माइनस में वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, माइनस में वैल्यू डालेंगे तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा ऐसे करके। आ गया। अच्छा, अंदर की तरफ तो आया है, बट अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, जो क्लैशिंग हो रही है, जो जो लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम हो गई। हाँ, बराबर। तो लेटर के बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं लवी, विच ऑप्शन, क्या कहते हैं उसको, लेटर स्पेसिंग को कम करना, ज्यादा करना, क्या कहलाता है? ट्रैकिंग, क्या कहलाता है? ट्रैकिंग, ये ऑप्शंस होता है ट्रैकिंग का। तो ट्रैकिंग से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इतना तो हो गया, बट अभी ये मुझे इसको सेंटर में लेके आना है। अभी ये सेंटर में नहीं है ना, मुझे सेंटर में लेके आना है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, बस इस लाइन को पकड़ के मूव करा देना है इसे। ये एंडिंग लाइन होती है, ये स्टार्टिंग लाइन होती है, ये एंडिंग लाइन होती है। और ये रेड कलर का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे जो रेड ऑर्बिटेक्स्ट है। हाँ, इसका मतलब है इसमें ऑर्बिटेक्स्ट है, तो हमें इसके एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं और बस यहाँ तक लिख सकते हैं। तो मुझे इसको और बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो आ गया, पूरा खुल गया। बस अब इसको बैलेंस करके रखो, बैलेंस करके रखो मतलब कि दोनों साइड से बराबर हो। अब वैसे तो इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं गाइडलाइन की हेल्प ले सकता हूँ ऐसे। okay. ना, गाइडलाइन की हेल्प मैंने ली, तो मैं गाइडलाइन के हिसाब से इसको एडजस्ट करने की मैं कोशिश करूंगा कि ये इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ये ऐसे देखो, बराबर बराबर हो गया दोनों साइड से। बस ये इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है अंदर वाला सर्कल। अब अंदर वाले सर्कल पे मुझे कुछ टाइप करना है, तो यहाँ पे टाइप करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर वही टाइप टू ले लूंगा यहाँ से। टाइप होने पाथ लिया और यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक कब करेंगे, जब ये प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन आ गया, क्लिक किया। अब यहाँ पर आप कुछ और टाइप कर दो, जैसे मैंने लिखा है पे कोच, कोच जाकिर, ये मैं लिख देता हूँ। इसका उसका मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन से क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। बट अब मुझे इसको कहाँ लेके आना है, इसको तो इधर लेके आना है ना, तो यहाँ से मैं इसको इधर की तरफ लेके आऊंगा। बट अभी देखो एक प्रॉब्लम है, क्या 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 प्रॉब्लम है बताइए। ये उल्टा, हाँ अभी उल्टा आ रहा है, है ना, ये प्रॉब्लम। ये इधर से आना चाहिए ना, इधर से आना चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है, ये वाला, ये एंडिंग पॉइंट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो ये एंडिंग पॉइंट होता है, इन इसके इन दोनों के ठीक बीच में ना एक लाइन आपको और दिख जाएगी, एक पतली सी लाइन दिख रही होगी, देखो ये रही। या। है ना, जो स्टार्टिंग लाइन है और जो एंडिंग लाइन है, इन दोनों के ठीक मिड में, ठीक सेंटर में एक लाइन आपको और दिखेगी। ये लाइन होती है फ्लिप करने के लिए, फ्लिप मिरर। तो ये इस लाइन को पकड़ लो। अच्छा, पता कैसे चलेगा, ये लाइन हमने पकड़ ली है इस एरो के साथ में ना, ये जो मेरी एरो है इसके साथ एक एरो और आ जाती है, देखो आ गई एरो, है ना, ये। हाँ। ये इस पे जाऊंगा तो देखो इसके साथ एक एरो और आ जाती है। तो जब ये एरो आए तभी काम करना है ना। तो मैं यहाँ पर गया, ये आ गई एरो, आ गई। अब इस लाइन को पकड़ के बस मैं अंदर की तरफ खिसका दूंगा ऐसे, ये सीधा हो जाएगा।
ठीक है, फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, आई कैन इंक्रीज कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और अब मुझे क्या करना है, इसको भी बाहर लेके आना है यहाँ पे। तो बाहर कैसे आएगा जी, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया और ये बेसलाइन शिफ्ट, ओके बेसलाइन शिफ्ट। बेसलाइन क्या होती है, अच्छा बताओगे मुझे, व्हाट इज बेसलाइन? बेसलाइन से क्या समझते हो आप? जहाँ पे वो टेक्स्ट बेस है, जिस लाइन पे वो टेक्स्ट बेस है, हाँ जहाँ पे हम लिखते हैं, यानी कि हमारी नोटबुक में जो लाइन्स है ना, हाँ जहाँ पे हम लिखते हैं वही बेस लाइन है नोटबुक की। हाँ जी, वो जो आपने उल्टा किया वो वापस एक बार जस्ट बताएंगे। हाँ वो जो मैंने, हाँ वो जो मैंने उल्टा किया उसमें क्या था, जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ये दो लाइनें होती है ना, एक स्टार्टिंग लाइन होती है, एक एंडिंग लाइन होती है ना, राइट राइट, इन दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन होती है ना। अभी देखो ये लाइन कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, राइट, तो इस लाइन को पकड़ के अगर मैं बाहर खींच दूं ये, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये देखो। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट, है ना, फिर सीधा करना है, फिर इस लाइन को पकड़ो, फिर मैं इसको अंदर खींच देता हूँ, फिर सीधा हो जाएगा, ओके 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 ओके, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे भी दोबारा से इसको भी बैलेंस करना है, जैसे हमने इसको बैलेंस किया था। तो यही गाइडलाइन है हमारे पास, ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन, और इस गाइडलाइन को ही मैं नीचे ले आता हूँ लगभग यहाँ पर। तो इससे मैं अपने टेक्स्ट को क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा अलाइन कर सकता हूँ, ये देखो बराबर हो गया दोनों साइड से। सर वो गाइडलाइन दिखने के लिए क्या प्रेस करना है शॉर्टकट? नहीं, गाइडलाइन तो दिखेगी जब आप यहाँ से ड्रैग करोगे ना, तो गाइडलाइन दिखती है। ओके ओके ओके, है ना। अब इसको डिलीट करना है, तो इसको सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट बटन यूज कर दो। अब इसकी जरूरत खत्म हो गई, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, ये गाइडलाइन को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट मार दूंगा, गाइडलाइन को डिलीट मार दूंगा। हो गया, इतना समझ आया? सबको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देता हूँ। कंट्रोल जी से क्या हुआ, सारा सारा ग्रुप हो गया। ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इलिप्स। सर ग्रुप होने के बाद वो मूव नहीं होता ना, मींस लाइक वो स्टेबल रहता है? नहीं, ग्रुप होने के बाद सारा एक साथ मूव होता है। ओके ओके, अलग अलग सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्रुप लाइक ए बंडल। Okay. ग्रुप मतलब आपने एक बंडल बना दिया, बाइंड कर दिया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बांध दिया एक साथ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप जैसे इसका सेंटर में देखूं तो कहाँ है, यहाँ पर इसका सेंटर आएगा। गाइडलाइन की हेल्प मैंने ले ली, ये सेंटर यहाँ पर आया, ठीक है। और यहाँ से ले लेता हूँ मैं एक इलिप्स टूल, एक इलिप्स लिया, ये एक इलिप्स बनाया, बट इस इलिप्स को मुझे सेंटर में रखना है, तो कैसे रखूंगा? इस इलिप्स को मुझे सेंटर में रखना है, हाउ कैन आई? ये एक इलिप्स मैंने बनाया है और इस इलिप्स को मुझे सर्कल के इस सेंटर पे रखना है, यहाँ पर ये सेंटर है इसका, कैसे रखूं बताइए, कैसे रखूं? स्पेस बार से रख सकते हैं ना, मैंने बताया था स्पेस बार दबाएंगे तो वो मूव होगा ऑब्जेक्ट, मूव। बिना स्पेस बार के करूंगा तो ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा होगा, है ना, और स्पेस बार दबा के करूंगा तो मूव होगा ऑब्जेक्ट। तो मैं ऐसे मूव करा के इसको यहाँ सेंटर पर रख देता हूँ, ऐसे ये रख दिया। ओके ओके, क्लियर है। अब मैं इसको है ना यहाँ पर रोटेट करा दूंगा, तो जैसे जैसे स्केल करने का शॉर्टकट क्या था, एस, स्केल करने का, यहाँ पे स्केल करने का शॉर्टकट क्या था, एस, ऐसे रोटेट करने का शॉर्टकट है आर। ओके, हाँ तो ये आपके पास ये पता होना चाहिए, स्केल टूल है इसका शॉर्टकट होता है एस, ये रोटेट टूल है इसका शॉर्टकट होता है आर, ठीक है। अभी ये रोटेट कहाँ से हुआ, सेंटर से हुआ, मैं इसको ऐसे रोटेट करा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बट मुझे इसे एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कराना पड़ेगा, वरना फिर क्या होगा, बाद के जो स्टेप्स है उसमें स्पेस कम ज्यादा आ जाता है ना। जैसे मैंने इसको रोटेट कराया, फॉर एग्जांपल, रोटेट कराने के साथ साथ अगर मैं ऑल्ट भी दबा दूं तो क्या हो जाएगा,
रोटेट कराने के साथ साथ अगर मैं ऑल्ट भी दबा दूं तो कॉपी हो जाएगी। अच्छा, और इसको रिपीट कमांड मैंने बताई थी, शॉर्टकट क्या होता है रिपीट करने का? शिफ्ट कंट्रोल प्लस 4 आई गेस, कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल 4 ऑल्ट कंट्रोल 4 ऑल्ट कंट्रोल 4 यहां पे रिपीट कमांड है ना। बट यहां पे देखो ये बराबर नहीं हो पाया ना लास्ट में। लास्ट में बराबर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको वो एंगल नहीं दिया जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, राइट? ऐसा एंगल होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, R4 रोटेट लिया, और मैं ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग नहीं करूंगा बल्कि ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा सेंटर पे। ऑल्ट के साथ क्या करूंगा? ओके, ऑल्ट एंड क्लिक करना है, क्लिक क्लिक ऑल्ट एंड क्लिक ऑन टू द सेंटर। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये बॉक्स खुल जाएगा जिसमें मैं एंगल डाल पाऊंगा, ये बेनिफिट हो जाएगा इसका। तो एंगल मुझे कितना डालना है? एंगल कितना डालना है जो 360 को पूरा डिवाइड कर दे? 360 जो 360 को पूरा डिवाइड कर दे वो एंगल डालना पड़ेगा। अब वो एंगल क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, 30 हो सकता है, राइट? 30 मैंने डाला। ओके, सॉरी, एंगल 30 डाला, कॉपी कर दिया। अब उसी को रिपीट कर दो। रिपीट कैसे होगा? ऑल्ट कंट्रोल 4। तो अब जो स्पेस आएगा वो बराबर बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। इसलिए 360 को मतलब रोटेट करने के लिए हमें वो एंगल लेना है जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। समझ आया जी? Yes, sir. हाँ, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये हमने बनाया ये। तो आप कह सकते हो एक बेसिक एक एक स्टैम्प टाइप से बन सकती है, एक कॉमन लोगो हो सकता है जैसे कि स्कूल कॉलेजेस या एनजीओ वगैरह का होता है ना। तो एक ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट, एक कॉमन लोगो, एक स्टैम्प या स्कूल का लोगो, इंस्टीट्यूट का लोगो, एनजीओ का लोगो, आप इस टाइप से कुछ बना सकते हैं ऐसे इसका यूज करके। समझ आया जी? ओके। तो आज हमने सीखा, क्या सीखा आज हमने सीखा? गैप टूल। यस, ठीक है, गैप टूल प्रैक्टिस करनी है। पेज टूल से पेज को मूव करा सकते हैं, कंटेंट कलेक्टर टूल से किसी भी फाइल से किसी भी कंटेंट को उठा सकते हैं, वो कोई ओपनड इन डिजाइन की फाइल हो सकती है या कोई और फाइल आपके ड्राइव में सेव है इनडिजाइन की, वहां से भी हम कंटेंट को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और कलेक्ट करने के बाद कंटेंट प्लेसर टूल से यहाँ पर किसी भी पेज पर जहां चाहे वहां पे प्लेस कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। लाइन टूल, लाइन टूल मैंने बताया सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए होगा। टाइप टूल का यूज आज हमने देखा तीन तरीके से कर सकते हैं। एक फ्रेम बना के टाइप कर सकते हैं, और दूसरा किसी भी शेप के अंदर टाइप किया जा सकता है, किसी भी शेप के अंदर अंदर टाइप किया जा सकता है, या किसी पाथ के ऊपर भी हम टाइप कर सकते हैं। किसी भी पाथ के ऊपर टाइप कर सकते हैं, किसी शेप किसी एरिया के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो तीन तरीके हो गए ना, ये पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पैराग्राफ टेक्स्ट। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये एरिया टाइप कहलाते हैं। ये एरिया, एक एरिया बना दिया, चाहे वो सर्कल हो या रेगुलर हो या कोई इरेगुलर शेप बना दो, एक एरिया बना दिया ना हमने, एक एरिया के अंदर टाइप कर दिया, तो दूसरा होता है एरिया टाइप, और तीसरा होता है टाइप ऑन ए पाथ, टाइप ऑन ए पाथ, पाथ के ऊपर। समझ में आया? ये चीजें हमने देखी। इसके बाद पेन टूल मैंने अभी अच्छे से बताया नहीं है, पेन टूल को मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी आगे। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे ये स्केल टूल, ऑब्जेक्ट को कैसे स्केल कर सकते हैं। एक देखा हमने रोटेट टूल, ऑब्जेक्ट को रोटेट किस तरीके से कर सकते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हमने देखा, इसमें ये बेस लाइन शिफ्ट ऑप्शन को समझा, बेस लाइन शिफ्ट से टेक्स्ट को हम शिफ्ट करा सकते हैं। ट्रैकिंग को हमने देखा, ट्रैकिंग के थ्रू जो अल्फाबेट्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, अलाइनमेंट हमने देखा, अलाइनमेंट मतलब के शिफ्ट F7 अलाइनमेंट, ऑब्जेक्ट्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर से टॉप बॉटम से कैसे अलाइन किया जा सकता है, ये हमने देखा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रोटेट करके उसकी रिपीट कमांड को हमने सीखा, रिपीट कैसे कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल गैप के ऊपर, समझ आया? या तो जो जो अभी हमने किया है उस सब की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ओके ठीक है, सारी प्रैक्टिस आपको करनी है एक एक ऑप्शंस की। ठीक है जी, अभी तो अभी इसमें अगर आपको कोई डाउट है, इसमें आप अगर यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी हमने किया, कोई डाउट है उसमें? सिर्फ मुझे एक ही बात पूछनी है सर, वो जो शेप आपने बनाया था ये वाला ऊपर वाला, वो पेन टूल से, हाँ, हाँ जो गैप था वो कैसे फील किया आपने, अगर बीच में गैप आ गया तो? ये जब ये गैप अगर आए तो फॉन्ट का साइज छोटा कर दिया हमने? नहीं नहीं, ये अंदर वाले टेक्स्ट का नहीं, बाहर आप, अच्छा मुझे लगा बाहर गैप आ गया, जब आप ड्रॉ कर रहे थे आउटलाइन तो उसमें कुछ गैप आ गया था क्या आउटलाइन में? नहीं नहीं कोई गैप नहीं आया, लेकिन हाँ हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, गैप का ऑप्शन मैं बताऊंगा अभी आपको। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट एकदम लाइन से टच ना हो, थोड़ा सा गैप हो, तो वो ऑप्शंस भी, वो ऑप्शंस में भी आपको क्लियर कर दूंगा। ओके ठीक है, ध्यान रखना, और जो नोट्स जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना, एक नोटबुक के ऊपर, एक नोटबुक के ऊपर लिख लिया करो, फिर बाद में मैं क्लियर कर दूंगा सब। ओके ओके ओके, ठीक है जी, क्लियर है इतना? ओके, आज की क्लास समझ में आई आपको? यस सर, यही सब आपको बना बना के देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कर कर के देखना है। ठीक है जी, तो ओवर करें क्लास अभी। यस सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी, ओके ओके, बाय। ओके बाय।